दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ ट्रेन पकड़ने दिल्ली जाने के लिए। तो देखा यहाँ सिवान में काफ़ी जुलूस निकला हुआ है, लोगों अपने अपने पार्टी का झंडा उठाए हुए और जा रहे हैं। और देखिए जो लाल झंडे वाले एक भाकपा वाले कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, और जो हरे झंडे वाले हैं ये हैं राष्ट्रीय जनता दल के, और अपने पार्टी झंडा उठाए हुए अभी लोग जा रहे हैं रैली निकाले जुलूस क्या कर रहे पता नहीं। और मेरा ट्रेन काफ़ी भीड़ था यहाँ पे, जुलूस निकलने की वजह से काफ़ी भीड़ थे। और गाड़ियाँ देखिए हमारे हम लोग वहाँ जाने के लिए काफ़ी दूर तक चले धीरे धीरे, उसके बाद जब आगे रोड मिला खाली तब चले गए। तब तक भी काफ़ी यहाँ भीड़, देखिए झंडा उठाया सब कोई जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं लोग, कोर्ट इधर शायद उधर जा रहे हैं कि कोई जो भी है कहीं जा रहे हैं, पर जुलूस निकाले नारा लगा रहे हैं अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। देखिए इधर ये इधर से कोर्ट की तरफ से आता है रास्ता, इस रास्ते में इधर सभी लोग आ रहे हैं अपनी पार्टी का। ये देखिए झंडा को पगड़ी बांध रखे हैं, ये देखिए मोटरसाइकिल पर लेकर के बैठा हुआ है पीछे। ये देखिए गमछा लगाए हुए, कोई पगड़ी बांधे हुए, कोई झंडा उठाए हुए है। ये हरे झंडे वाले हैं, ये राष्ट्रीय जनता दल के हैं। जो लाल झंडे वाले हमने आपको पहले दिखाया वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, बिहार में भाकपा माले बोलते हैं उसको। और देखिए यहाँ से रोड खाली मिला है तो ऑटो वाले भैया बड़ी तेज चला रहे हैं, क्योंकि हमें ट्रेन पकड़ना था, अगर समय पर टाइम पर नहीं पहुँचे तो हमारी ट्रेन छूट जाती, ये भी समझते हैं प्रदेश जाने वाले लोग हैं। तो ये भी देखिए खुला मिला रोड तो स्पीड चला रहे हैं ताकि जल्दी हमको पहुंचा दे, आगे चल के काफ़ी भीड़ होगा चाहे कुछ भी हो पर ये पहुँचा तो सही पहले। ये सिवान का मेन रोड जाता है आगे, कौन सा मेन रोड ही है आगे जाके क्या बोलते हैं उसको बबुनिया मोड़, बबुनिया मोड़ से देखिए वह रोड जाता है और एक स्टेशन की तरफ जाता है।